हाय फ्रेंड्स, के अपने अनवांटेड हेयर से यानी कि अनचाहे बालों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो आज हम घर पे ही वैक्स क्रीम बनाना बताएंगे। इस क्रीम को अप्लाई कर लेते हो ना, जितने भी अनवांटेड हेयर है उसको जड़ से रिमूव करेगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। आप पार्लर में जाके वैक्स करवाते हो, थ्रेडिंग करवाते हो, बहुत सारे पैसे खर्च करते हो, लेकिन जो हेयर ग्रोथ है और भी ज़्यादा होने लगता है। आप मेरे बताए गए इस क्रीम को अप्लाई करिए, जितने भी हेयर ग्रोथ है अनवांटेड हेयर उसको परमानेंटली रिमूव करेगा। साथ ही स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर बनाने का काम करता है, यानी कि जहाँ आप वैक्स करवाते हो, थ्रेडिंग करवाते हो, वहाँ का स्किन काली हो उसको ब्राइट करता है ये रेमेडी। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको किस तरीके से बनाना और किस तरीके से अप्लाई करना, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बीच में बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस तरीके का एक कटोरी लेना है, इसमें एक चम्मच शुगर लेना है यानी कि चीनी लेना है एक चम्मच के करीब। ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर बनाने का काम करता है चीनी। तो यहाँ पे हम एक चम्मच चीनी ले लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स लेंगे, आधा चम्मच के करीब शहद इसमें ऐड करेंगे। शहद स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर बनाता है, साथ ही स्किन पे दाग धब्बे के निशान है तो उसको लाइटन अप करता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। यहाँ पर हमें आधा चम्मच शहद इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, आधा चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। इसमें विटामिन सी भर भर के पाया जाता है, स्किन पे दाग धब्बे के निशान है तो उसको लाइटन अप करता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर बनाता है, साथ ही स्किन पे गंदगी मैल जमी है तो उसको रिमूव करता है। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इसको इस तरीके से अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इससे हम गैस पे थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रखेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल 5 मिनट के लिए ही इसे अच्छे से पकाना है, जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। इसको इस तरीके से अच्छे से चलाते रहना है स्पून से, नहीं तो ये जल भी सकता है। ये क्रीम बिल्कुल 5 मिनट में बनके रेडी हो जाता है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, बिल्कुल वैक्स क्रीम की तरह बनके तैयार होगा। अब जो पार्लर में जाके वैक्स करवाते हो, थ्रेडिंग करवाते हो, अगर इस तरीके से क्रीम घर पे बना लेते हो ना, उसको करवाना भूल जाओगे। आपके जहाँ भी अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम हो, इस क्रीम को अप्लाई करें, आपके जितने भी अनवांटेड हेयर है उसको परमानेंटली रिमूव करेगा, दोबारा वापस नहीं उगेगा। तो यहाँ पे क्रीम बनके कुछ इस तरीके का रेडी हो चुका है। इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। 5 मिनट के ठंडा होने के बाद इसे हम बताएंगे किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्रीम ठंडा हो चुका है, इस क्रीम को स्पून से अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे अपने पैर पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, मेरे पैर पे बहुत ही कम बाल है क्योंकि इस क्रीम को मैं लगाती रहती हूँ। इस तरीके से स्पून से अप्लाई करना है, बिल्कुल नीचे की साइड इस तरीके से लगाते हुए जाना है, इस तरीके से लगाते हुए क्रीम को जाना है। आपके जहाँ भी अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, पैर पे हो या फेस पे या हैंड पे, कहीं भी बॉडी पार्ट पे हो, इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। आपके जितने भी अनवांटेड हेयर है उसको जड़ से रिमूव करेगा, दोबारा वापस नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। इस तरीके से अप्लाई करने के बाद यहाँ पे वैक्स जो पट्टी आता है इसको इस तरीके से रखना है। इसके बाद इसे इस तरीके से डैप डैप करना है, इस तरीके से फिंगर से इसे हल्का सा इस तरीके से रगड़ना है, बिल्कुल नीचे की साइड जिस तरीके से क्रीम अप्लाई किए थे बिल्कुल इसी तरह से इसको रब करना है। इस तरीके से करने से क्या होता है, जितने भी हेयर्स है, क्रीम है, वो पट्टी में चिपक जाता है, वो आसानी से निकल जाता है पट्टी के साथ। इस तरीके से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इसे उखाड़ना है, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो, आपको सबके सामने ही मैं इसे दिखा रही हूँ, जितने भी बाल थे ये पट्टी में आ चुका है, आप सब देख सकते हो। ये आसानी से आप घर पे अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हो, वो भी घर पे क्रीम बना के। आपको पार्लर जाने का झंझट भी नहीं रहेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आप घर बैठे बैठे अपने अनवांटेड हेयर को परमानेंटली रिमूव कर सकते हो बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसको रिमूव करने के बाद गीले टॉवल से इसको अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद कोई भी बॉडी लोशन हो या मॉइस्चराइजर हो, इस पर ज़रूर अप्लाई करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसी तरह से और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू।